स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए पूज्य दादा गुरु महाराज के पावन पुनीत वार्षिक भंडारे के अवसर पर देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम है। आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की दया दुआ आशीर्वाद, गुरु महाराज की वचन वाणियों को सुनने के लिए मालिक की दया दुआ प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित हुए हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये उस अनामी महाप्रभु का दरबार है जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं ऐसे अनामी महाप्रभु के चरणों में हम लोगों ने अपने सर को झुकाया है। जो हमारी रूह हमारी जीवात्मा को इस भव सागर से निकाल करके अपने सच्चे देश सच्चे वतन सच्चे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते, ऐसे अनामी महाप्रभु को कोटि कोटि नमन और प्रणाम है। ये परम सौभाग्य का समय हम आप सभी प्रेमी भाई बहन एक जगह पर यहां पर उपस्थित होकर के गुरु महाराज के चंद वचन सुनने के लिए हम सभी प्रेमी भाई बहन इस सत्संग मैदान में उपस्थित हुए हैं। भंडारे के महापर्व पर जो भी गुरु महाराज की थोड़ी बहुत वचन वाणियां आज आपको सुनाई जाए, आप लोग चेत करके प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि ये सत्संग है। सत्संग जल जो कोई पावे मैल आई सब कट कट जावे, यह ऐसा जल है जहां कौवा स्नान करता और हंस बन करके बाहर निकलता। हम आप हो सौभाग्यशाली, ये अवसर हमको आपको मिला हुआ है। जो भी गुरु महाराज के थोड़े बहुत वचन उन फकीरों के कलामों को आज इस मन से सुनाया जाए, आप लोग चेत करके प्रेम और प्यार के साथ एक एक वचन को सुनिएगा और उस पर ये अमल कीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों,
हर इंसान हर मानव जाति को इस भूल भरम में फंसी हुई आत्माओं को हमेशा यह समझते रहना चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए कि भाई आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कैसे आकर के इस भवसागर रूपी जेल खाने में फंस गए, कैसे ये जीवात्माएं अपने घर अपने वतन सचखंड यानी अनामी धाम वापस कैसे पहुंचेगी, इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग माध्यम से होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस मानव शरीर में बगैर सत्संग के, बगैर वचन वाणियों के, बगैर सतगुर के सानिध्य के कोई भी जीव इस भवसागर से पार नहीं जा सकता। प्रेमी भाई बहनों, जब यहां पर कुछ नहीं था, न जमीन थी न आसमान था, न देवी थे न देवता थे, न कोई पशु न पंछी, जब कहीं कुछ भी नहीं था तो एक अनी अनामा अभि सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक अनी अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी, उन्होंने तीन लोक का विस्तार किया यानी अगम लोक, अलख लोक और सत्य लोक। ये तीनों लोक एक रस है, यहां न कभी परिवर्तन हुआ और न ही कभी हो सकता। काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घन घोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता, इसीलिए इन्हें रूहों का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब रूहें नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, जब समय पूरा होगा तब तुम अपने घर वापस चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं यानी हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण, सूक्ष्म लिंग और स्थूल, ये 4 प्रकार के कपड़े पहना करके और शब्द को पकड़ा करके इसी जीवात्मा को परत दर परत इसी स्थूल देश में, इसी स्थूल शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा दिया गया।
जब जीवात्माएं यहां मृत लोक में आई उस समय सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे हर ध्यान तरे भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते, रोज आते रोज जाते। और जब समय पूरा होता तो जीवात्माएं अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन वापस लौट जाती, फिर कभी मृत लोक में वापस नहीं आती। ऐसे खेपों की खेपें चली गई। तब काल भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी हमने तपस्या की, सत्पुरुष भगवान को प्रसन्न किया, प्रसन्न होकर के जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस लौट जाएंगी तो हम राज किस पर करेंगे, मेरा राज खाली हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को यहां सुना दिया गया, ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ है, ये अशुभ है। और इन जीवात्माओं को कह दिया गया कि काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं काल रूप हूं, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथ में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई और अपने अस्तित्व को, अपने ज्ञान, अपने प्रकाश को, अपने मालिक को ही भूल बैठी, अपने सच्चे घर को भूल बैठी, अपने सच्चे पिता को भूल बैठी। न जाने कितने युग युगांतर बीत गए, हम लोग उस मालिक को भूल करके यहीं पर भटका खा रहे। अगर बगैर संतों महात्माओं की दया कृपा के अब कोई भी जीवात्मा अब इस भवसागर से पार नहीं जा सकती, क्योंकि हम लोग अपने मालिक को भूल बैठे। जिस संसार में हम लोग रह रहे वो संसार उस काल भगवान का है। दुनिया अब यही समझ रही है कि हमारा मालिक काल है। दयाल की किसी को खबर नहीं, जो दुनिया को खाता है अब दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा कहते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के, सो कल युग में किए प्रमाण। जो पुराने समय के साधन थे, यानी सतयुग त्रेता द्वापर के समय के साधन, वे अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकते, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते। अगर हम ये सोच लें कि हम उस समय की साधना, उन युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह संभव नहीं हो सकता। सतयुग में मनुष्य की उम्र
100,000 वर्ष की हुआ करती थी। त्रेता में घटकर दसवां हिस्सा 10,000 साल की आयु हो गई, द्वापर में घटकर दसवां हिस्सा 1,000 वर्ष की आयु हो गई, कलयुग में घटकर दसवां हिस्सा 100 साल की आयु हो गई। अब 100 साल में भी ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई भोग पाता, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। कहां सतयुग में 100,000 वर्ष की उम्र, कहां अब कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है, फिर मनुष्य के पास समय कहां, न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उस समय की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा कहते हैं कि वही मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमानी अभिमानी सोनर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं, एक अज्ञानी होता है, दूसरा बुद्धिमान होता है। जो अज्ञानी लोग होते वे क्या करते, रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी जमुना में डुबकी लगाई, मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्या में पढ़े, सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दी। हालांकि विद्या बुद्धि का विषय है और इस परमार्थी राह में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य ने अपना सारा जीवन विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दिया, हासिल कुछ नहीं हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया, हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी ध्यानी बन गए। आप दुनिया में नजर मार करके देखो, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है, न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर आप परमार्थ की बात पूछो, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया, अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा कहते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, और जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी है और ना ही ज्यादा बुद्धिमान है, उनकी हालत ऐसी है
अगर मूर्खों का जोर पड़ गया तो मूर्खों की तरफ लुढ़क गए, अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए। ऐसे ही बिन पानी बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। असली रास्ता तो मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता, कोई सोता ही नहीं, कोई धुनिया रमाए बैठा है। आप कुंभ में जाकर के देखिएगा, बड़े बड़े महात्मा लोग किस किस तरह से योगाभ्यास करते हैं। कोई कीलों पर सो रहा, कोई पानी में लेटा हुआ, कोई सिर के बल खड़ा हुआ, और कोई धुनिया रमाए बैठा है। चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवीं सूरज की तपिश, पंच अग्नि की धुनिया जमाए बैठे और कह रहे हम बहुत बड़ी तपस्या कर रहे। उनसे जाकर के पूछिए कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से ही जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। असली बात यह है कि सीधा रास्ता चलने को कोई तैयार ही नहीं होता। इसी तरह लोग व्रत या उपवास करते हैं। व्रत या उपवास करना ये अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके और पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म नहीं हो जाता था वह रोटी नहीं खाता था। अब घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म हुआ उसने लाकर और तेल भर दिया। अब आदमी बेचारा भूख से व्याकुल, करे तो करे क्या, दिया जल रहा है, तेल भरा हुआ है, लगा फिर से पाठ करने, और फिर जैसे ही तेल खत्म हुआ उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में थक हार करके और दिया बुझा करके लगा रोटी खाने। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है, कोई नाथ बना बैठा, कोई स्वामी बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है, काल ने सारे जगत के जीवों को धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल करता था, कोई सिर कोई पैर उधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दिया, किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। अरे वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया,
ताकि कोई जीव अंदर ना जाने पाए, सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाएं। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगे ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को देवालय और शिवालय में। हरे नन्नारियों, इन बाहरी कर्मकांडों से ना कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हुई है और ना ही कभी हो सकती है। प्रेमी भाई बहनों, एक दृष्टांत आता है लोमस ऋषि का। लोमस ऋषि एक विख्यात ऋषि हुआ करते थे। वे ब्रह्मा के पुत्र थे। महात्मा कहते हैं कि भाई आज हम उनका प्रमाण, उनकी निशानी, जो कुछ वो लिख करके यहां गए हैं, पूरा का पूरा दृष्टांत के साथ आज आपको समझाते हैं। ये जगत के जीव जितने भूल और भ्रम में फंसे हुए, आप लोग मन बुद्धि और चित्त लगा करके सुनिएगा। लोमस ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं, पितु से पूछ मुक्ति की बाता, और गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके बताइए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि गंगा का फल भाक सुनाई और गंगा आदि मुक्त की दाई। हे लोमस ऋषि, तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसे सहज में मुक्ति मिल जाती। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि ने जवाब दिया कि सहस्य एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मच्छ का पाया। हे पिताजी, आपने यह जो विधि बताई, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मच्छ की योनि में डाल दिया। मच्छ कहते हैं मछली को। प्रेमी भाई बहनों, अब हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा गया, उसी का देखो वर्णन किया जा रहा। लोमस ऋषि बड़े सहज भाव से यानी ब्रह्मा को उत्तर देते हैं कि हे पिताजी, आपने यह जो विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मछली की योनि में डाल दिया गया। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं, जय जय तीर्थ सब नहाए, जल जीव जौन माही भरमाए। जितने भी तीर्थ थे,
सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार करके जाओ, ऐसी जुक्ति ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे यह जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए, जन्म मरण के बंधनों से हम पार हो जाएं, ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, हम अपने सच्चे देश सच्चे घर वतन वापस पहुंच जाएं। हे पिताजी, दया कृपा करके हमको ऐसा रास्ता बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता ने कहा कि लोमश ऋषि, यह सुनिए भाई और सेवा ठाकुर कीजिए जाई, कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। चरणामृत व्रत साधो सोई और सहजे में मुक्ति पुनि होई, रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चरणामृत लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो और रोज रोज चरणामृत ले लो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया, सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की सेवा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया, विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा, फल पायो पाहन को लीना। कहते भाई, विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीना। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया। सेवा शिव कीनी विधि भाता, फल फूल जले अच्छा सा था। मैंने शिव जी की भी पूजा की, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के तुम शिव जी की पूजा करो, ठीक उसी प्रकार से फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के मैंने शिव जी की भी पूजा की। अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंततः पुनि लीनो वासा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, तो जड़ में हमको वास मिल गया, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। ऐसे कहां कहां के गांव और जे पूजो ते माही समाऊं। हे पिताजी, मैं ऐसे छोटे छोटे पूजाओं का मैं कहां तक वर्णन करूं, जहां मैंने आशा बांधी वही हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके हमें ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता ने कहा, वे पूजो पत्ति प्रीत लगाई और पीपर में जल ना हो जाए, कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहने अपने घरों के आंगन में लगाती हैं, ये गुरु महाराज का नाम है,
इसलिए हम सभी प्रेमी भाई बहन स्वामी नाम की पत्ती कहकर के पुकारते हैं, उसी का यहां वर्णन किया जा रहा। लोम शिष्य के पिता कहते हैं, भाई पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल ना हो जाई। हे लोम शिष्य, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपर पर जल चढ़ाओ। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। एक दिया पत्ती पे लावे सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। हे लोम शिष्य, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोम ऋषि ने जवाब दिया कि सहस तीन पत्ती को पूजा और वृक्ष योनि पाई ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्र तीन यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ स्वामी नाम पत्ती के नीचे दिया जलाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में पड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने हजारों हजार वर्षों तक पीपर पल पूजा की। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपर की पूजा की, पीपर पर जल चढ़ाया, पीपर की परिक्रमा लगाते रहे, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भव में भरमाई। कहते भाई, मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में। भव कहते हैं 4 खन 84 लाख योनियों को। कि बार बार 4 खन 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके ऐसा रास्ता हमको बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण के बंधनों से हम पार चले जाएं, ये जीवात्मा अपने सच्चे देश वापस पहुंच जाए। दया कृपा करके ऐसा रास्ता हमको बतला दो। तब लोम ऋषि के पिता ने कहा, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। हे लोम ऋषि, तुम एक काम और कर लो, जाओ तुम एकादशी का व्रत रख लो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोम ऋषि ने जवाब दिया कि सहस वर्ष एकादश की नहा, अंत जन्म माखी को लीना। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया गया। अब हम कोई अपनी बात यहां नहीं कह रहे और ना ही किसी पूजा का विरोध कर रहे हैं। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में जो प्रमाण है, जो धर्म ग्रंथों में आपके लिखा हुआ, उसी का देखो यहां वर्णन किया जा रहा। तो लोम शिष्य बड़े सहज भाव से कहते हैं, अरुपणी व्रत कीन ही बहु तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ भी नहीं, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा और तासे जन्म चील को लीना। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार को व्रत रखा
लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे चील की योनि में डाल दिया गया। मंगल बहुविध व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर को पाई। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मंगलवार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे सुअर की योनि में डाल दिया गया। और पुनिव्रत तीज को कीन्हा, और कुकर जन्मता ही से लीन्हा। हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया गया। और परदोष नेम से कीन्हा, और खर को जन्मता ही से लीना। कहते भाई, बड़े नियम और संयम के साथ जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से बड़े नियम और संयम के साथ में मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे खर की योनि में डाल दिया। खर कहते हैं गधे को। प्रेमी भाई बहनों, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया, उसमें से निकाला उसमें डाल दिया। ये शरीर आपका ये पड़ा, मन को बुद्धि को चित्त को जीवात्मा को निकालकर इस शरीर से दूसरे शरीर में डाल दिया। ये शरीर आपका ये पड़ा, तब तक ले जाकर दूसरे शरीर में डाल दिया। अब उसे सजने सवारने लगे, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में पटक दिया। अब उसे सजने सवारने लगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, ये मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। देखिए, लोमस ऋषि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी की ना, याते जन्म घूस को लीना। हे पिताजी, मैंने नौमी का अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे घूस की योनि में डाल दिया। अब लोमस ऋषि कहते हैं कि अर्पुनि व्रत कर झार बनाई, और पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। मैं भव सागर में भटकता रहा, जहां मैंने आशा बांधी वहीं हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके हमें ऐसा रास्ता बतला दो जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। तब लोमस ऋषि के पिता ने कहा कि पुण्य गऊ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि हे लोमस ऋषि, तुमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरा ये विचार है कि तुम थोड़ा दान पुण्य करो। और दान पुण्य में सबसे बड़ा दान गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि ने जवाब दिया कि गौदान कीन्हा बहुत तेरा, और जन्म मिला जो बकरी केरा। हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितने लोगों ने मेरा शिकार किया, मुझे काट काट करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, मुक्त न पाए और रहे अधीना। कि आपने जो भी विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना कोई नहीं कर सकता जितना तीर्थ व्रत कर्म कांड मैंने किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। हे पिताजी, दया कृपा करके। अब बड़े दीन भाव से, बड़ी दीनता के साथ अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया,
अब की बार ऐसा रास्ता हमको बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब अंत में लोमस ऋषि के पिता ने कहा कि लोमस ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होय वारा। हे लोमस ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ, संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी और किसी दूसरी चीज से मुक्ति नहीं मिलने वाली। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा और नहीं हुई है अंत निर्वारा। ये तीर्थ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, जीवों को यहां फंसाए रखने के लिए ये मेरे जंजाल हैं, इनसे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर कहीं मुक्ति का रास्ता है तो वह संतों की शरण में है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जब ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं और हजारों हजार वर्षों तक इनको भटका करके रखा, तो अंत में उन्होंने कहा कि भाई संत शरण से होय वारा, कि जाओ संतों की शरण में जाओ, वहीं से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए नन्नारियों, इस कलयुग में केवल गुरु की ही महिमा है। अरे गुरु मेरे पूर्ण पुरुष विधाता, नित चरणन पर मन मेरा राता। हरे प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई सच्चा रहबर है, कोई सच्चा साथी है, तो वह केवल तुम्हारा गुरु है, क्योंकि गुरु तुम्हारी यहां भी संभाल करेगा, ऊपर भी तुम्हारी संभाल करेगा। जब आप इस स्थूल देश में हो तो गुरु स्थूल स्वरूप में मौजूद होकर के रक्षा करेगा, जब सूक्ष्म देश में जाओगे गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होगा, जब ब्रह्म देश में जाओगे गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होगा, जब पार ब्रह्म में आप पहुंचोगे गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर रक्षा करेगा, और जब आप सचखंड में पहुंच जाओगे तो गुरु को ही सतपुरुष के स्वरूप में आप देखोगे। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूरा क्यों गुरु की पूजा और आराधना करते हैं। देखो महात्मा कहते हैं भाई, गुरु मेरे पूर्ण पुरुष विधाता, नित चरणन पर मन मेरा राता। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं कि वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। अरे जब तक गुरु नहीं मिला तुम दर बदर भटकते रहे, और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक भी हमको आपको मिल गया। इसीलिए साधक कहता है कि भाई गुरु है अगम अपार अनामी, गुरु बिन दूसरी और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पारब्रह्म सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते मैं अपने गुरु को वही समझता हूं। अगर कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, तो वह केवल मेरा गुरु है। अरे नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा, गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया को पालते हैं, न शिव है जो दुनिया का संहार करते, न ईश्वर है जो सहस दल कवल के मालिक हैं, न परमेश्वर है जो त्रिकुटी के मालिक हैं। गुरु इन सब से आगे जाता, सत्य नाम जानू ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले ना मैं सत्य नाम को जानता हूं और ना ही मैं अनामी को जानता। जोगी जते तपे ब्रह्मचारी और जनक सनक सन्यास विचारी, गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानू,
अक्षर निअक्षर नहीं जानू, गुरु के मुकाबले न आत्म पद यानी सहस दल कवल है, न परमात्म पद यानी त्रिकुटी है, न अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निअक्षर यानी भवर गुफा है। गुरु इन सब से आगे जाता। हरे प्रेमी भाई बहनों, सत्य नाम जानू ना नामी, और लिखे ग्रंथ सब करत बखानी। प्रेमी भाई बहनों, गुरु के मुकाबले न सत्य नाम ना ही अनामी, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं। वो मालिक घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके, दर बदर भटकते रहे। अरे जब तक गुरु नहीं मिला, हम आप दर बदर भटकते रहे, और जब गुरु मिल गया, गुरु ने हमको राह दे दी, फिर गुरु ने ये नहीं कहा कि बच्चा तुम अकेले ऊपर जाओ, बल्कि हर मंजिल पर गुरु हमारे साथ रहा। गुरु ने सबका पद दर्शाई, जस जस जिनकी तस गत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंतर घट का ताला खोल दिया, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब ये साधक कहता है कि भाई जिन्होंने उनका दर्शन किया, मैं उन्हीं की महिमा गाता, मैं उन्हीं का गुणगान करता। याते सतगुर का पद भारी, और सतगुर सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा है, गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये उपदेश उनके लिए है जिन्हें अंदर जाना है, जिन्हें पर्दा खोलना है, जिन्हें उस मालिक से मिलना है, जिन्हें अपनी दिव्य दृष्टि ये तीसरा नेत्र खोलना है। अगर लोगों की आंखें खुली होती तो समय रहते ये दुनिया के जीव महात्माओं को इतना कष्ट नहीं देते। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए साधक कहता है, जाके हृदय गुरु पर तीती, काल करम बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रेम है, सिद्धास्था और विश्वास है, ऐसे प्यारे साधकों को अंतिम समय में स्वयं सदगुरु लेने आते हैं और अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। गुरुमुख का पद सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीववारी। गुरुमुख सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर सकता। अरे धन धन राजा जनक है, जिन सुमरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते पापी तरे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग कर जाने लगे, रास्ते में बड़े भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि भाई ये क्यों रो रहे, कैसे इन जीवों का छुटकारा होगा? तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दे तो इन जीवों का उद्धार हो सकता। तब राजा जनक ने ढाई घड़े नाम की कमाई का फल दिया और करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर दिया। अरे कहलग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं, महात्माओं की हस्ती और शक्ति को मैं कहां तक बयान करूं। हरे नन नारियों, कुंजों की अवस्था वही जानते जो कुंजों के साथ में आसमानों की उड़ान भरते। ये कबूतर तीतर क्या जाने कुंजे किस देश के वासी हैं। जो रूहानी मंडलों की सैर करते वही महात्माओं को पहचान सकते। बाकी ये सारा संसार ये काल के जाल में फंसा हुआ, जग में पड़ा काल का घेरा, और जीव करे 84 फेरा। सारा संसार ही ये काल के जाल में फंसा हुआ है।
अरे काल अपने भक्तों को स्वर्ग वैकुंठ भी देता है, नरक और चौरासी भी देता। तपो राजा नाजो नरक, बुरे कर्म किए बुरा नतीजा, अच्छे कर्म किए अच्छा नतीजा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आप फल पाओगे, क्यों ये पाप पुण्य की नगरी है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, कर्मों का ऐसा संसार है, यहां जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करोगे राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद में फिर मृत्यु लोक में डाल दिया जाएगा। अब वहां से जो नीचे उतारा जाएगा, किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे तो फिर नरकों और चौरासियों में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। अरे सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे हैं, ये सब कर्मों के अधीन है। अरे कर्म होते हैं तो काया बनती है, और जब काया होती है तो कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर सब आश्रित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी, ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कर्म ना हो। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, जन्म लेते और मरते समय घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने उस पीड़ा को बयान किया, सहजो मौते आईया, अंगे अंग दिया तोड़, या जरे छाते फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, जरा आप भी समझे रहिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, मौत के समय में सबसे पहले जैसे संसार में महाप्रलय आती है, तो महाप्रलय के समय सबसे पहले पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानो षष्ठ की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता, गुदा चक्र टूट करके इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। और जब इंद्रिय चक्र टूटता है तो यहां नाभि चक्र में समा जाता,
नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने जल को सुखा दिया। और जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया। और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाए उपजावे और बुद्ध सुरत की यान दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके यहां पर आती है, यही कर्मों का निचोड़ निकल करके बुद्धि का संकल्प बनता अंतमता सोएगता, उसी संकल्प के आश्रय हमें अगला जन्म मिलता। हरे मैले बुद्धि सुरत के माही वाही समय को करे सहाय। उस समय विषय विकारों की मैली बुद्धि भोगों की आशिक रही, वही कुत्ते को बिल्ली के सपने, बिल्ली को चूहों के सपने। मनुष्य ने सारी जिंदगी मैल कर्म किए, अरे मैल कमाया मैल खाया और मैल ही अपने साथ ले गया। ये जीव जाए तो जाए कहां, काल ने कोई राह नहीं छोड़ी। काल दाढ़ में आंदवानी और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट कर चकना चूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाते, सब डॉक्टर वैद्य हकीम सब घेरे रह जाते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों उस पीड़ा से आपको कोई बचा नहीं सकता। जम के दूत आते हैं इस शरीर से जीवात्मा को निकाल करके और शरीर से अलग कर देते। अब जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी की काया को ले जा करके और शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। तो आपकी कौम आपका मजहब और आपकी जात बिरादरी आपका ये नाम आपकी ये शानो शौकत इसे शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाती है। और प्रेमी भाई बहनों इस जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता है। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाता, धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इन्हें मौका दिया गया था, अवसर दिया गया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। अरे इस उद्देश्य के लिए तुमको यह मानव तन मिला था, लेकिन आप अपने उद्देश्यों को भूल गए। और जब मां के गर्भ में थे उल्टे जब आप लटके थे, उस समय परमात्मा से प्रार्थना करते थे, हे परमात्मा इस बार हमको बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, उस मालिक की भक्ति करेंगे। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, माया ने एक महीन बारीक पर्दा आपके ऊपर डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों आप अपने वादे को भूल गए, बस माया के छाया में फंस करके और कीमती समय को सांसों की पूंजी को व्यर्थ के रगड़ों झगड़ों में गवाते चले जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा ये सांसों की पूंजी बहुमूल्य ये आपकी समाप्त हो जाएंगी, शरीर आपका यहीं पड़ा रह जाएगा। धर्मराज ने आदेश दे दिया, ले जाओ जीवात्मा को नरकों में डाल दो, क्योंकि सारी जिंदगी इसने बुरे खोटे कर्म किए। अब नरकों की यातनाएं कोई मामूली यातना नहीं होती, महात्माओं ने वर्णन किया है। लोह के खम्ब तपत के माही वाही समय को करे सहाय, वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक का लाल हो रहे, ऐसे खोटे जीवों को
उन खंभों में चिपटाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, वहां कोई तुम्हारे पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारे दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे नन्नारियो, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा, अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अनियोर है, कहलक कहो बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग छोटे पाप कर्मों के वहां अलग अलग नरक बने हुए। ये तो महात्माओं ने जरा सा इशारा बताया। अगर सभी नरकों का यहां हाल बयान किया जाए तो ग्रंथ के ग्रंथ बन जाएंगे, पोथियां के पोथियां बन जाती। प्रेमी भाई बहनों, नरकों की सजा पूरी होने के बाद इसे जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं देते, बल्कि इसे 484,00,000 योनियों में डाल दिया जाता। ये 484,00,000 योनियां ये मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान यानी अंडज, पिंडज, उपमज और स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकौड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी परिंदों की, चौथी चौपाई जानवरों की, और पांचवी स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर पांचों तत्व यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, इनकी अलग अलग कुल 84,00,000 योनियां हैं। 4 खानों की अलग अलग 84,00,000 योनियां। अरे अब आप पेड़ पौधों को देखिएगा तो नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84,00,000 योनियां। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों से 84,00,000 योनियों में भटका खा रहे हैं। 84,00,000 योनियों की सबसे आखिरी योनी ये गाय और बैल की योनी होती। गाय स्त्री का रूप धारण करती और बैल पुरुष का रूप धारण करते, ये सबसे आखिरी योनी होती। उसके बाद में तब जाकर के मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े भाग से हमको यह मानव तन मिला, बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि 84,00,000 योनियों से, इस भूल भरम अज्ञान के देश से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मानव तन है। इसी मानव तन में बैठ करके हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं ने शरीर को हरि मंदिर कहा। ये हरि मंदिर है, हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये सच्चा हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा, इसे मनुष्य शरीर में मिलेगा। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है, जब जब हमें ये मौका मिलता, ये मनुष्य शरीर हमको मिलता है, हम अपने कीमती समय को और कीमती श्वासों की पूंजी को व्यर्थ के रगड़ों झगड़ों में गवा देते, माया की छाया में फंस करके हम अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों,
जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की ये हालत देखी कि जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तो स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को एक धरती पर भेजा। संत महात्मा फकीर इस धरा भूम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र रास्ता है, और वह रास्ता केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई धाम अपने चलो भाई, और पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, यानी अपने घर वापस चलने की तैयारी करो, अपने वतन वापस चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है और इस पराए देश में हम आप यहां करके फंसे हुए। हरे नन्नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे नन्नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी क्या औरत, क्या ऊंच क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात दिन धुनकार दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है, तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहां किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? अरे हमारे मन ने पैदा किए। अरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नन्नारियों, महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता है, सारे दुनिया के लिए होता, सारे कायनात के लिए होता है, सर्व मानव जाति की भलाई के लिए होता है। कोई भी महात्मा इस धरा भूम पर आकर के ना कोई कौम मनाने आते हैं, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते, रूहानियत के संदेश को समझाने के लिए आते, और रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता है जैसा कि तलवार और म्यान का होता। काम तलवार को आनी होती है, म्यान को नहीं होती। हमें जो कुछ प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा,
जब हम रूहानियत से दूर हो जाते तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वह शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में फंसा देते। ना किसी को रूहानियत की समझ होती है और ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, प्रेम से समझाते हैं कि सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश, ऐ जीवात्मा तेरा पति वह परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला, तू माया के जाल में फंसी हुई। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने पति से मिलाप नहीं कर लोगे, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। हरे नन्नारियों, ये दुनिया में जो हम आप सुख ढूंढ रहे, ये सुख क्षणिक है। यहां ना कभी किसी को सुख मिला और ना ही कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये क्षणिक है, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपने अपने बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब किसी की शादी होती है तो मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता प्रेमी भाई बहनों। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार न निकल जाए, हमें छोड़कर चला न जाए, शराबे कबाबे ज्वारी न बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समाने लगती हैं, चिंता चिता समान, चिंता से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं है। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं, फिर हम दुनिया के जीव बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते मन में बड़ी भारी खुशी होती, दुनिया भर का लड्डू पकवान बना करके अड़ोस पड़ोस वालों को खिलाते हो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर वही बच्चे बड़े होकर नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार ना करें, शराबे कबाबे ज्वारे बन जाएं, वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते, गले में लंबी चौड़ी मालाएं डालते, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है, जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, पकड़ करके उन्हें जेल खानों में डाल देते, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते, तो वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव ये धन दौलत में सुख ढूंढते हैं, दुनिया भर का धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कहीं चोरी चोरी करके ले गए, कहीं चोर चोरी करके ले गए, और कहीं बैंक फेल हो गया। अभी बीच में नोटबंदी हुई थी, न जाने कितने सेठ साहूकारों का हार्ट अटैक हो गया। रोज खबर आती थी कि फलाने सेठ जी चले गए, फलाने उद्योगपति का हार्ट अटैक हो गया। वही धन दौलत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता, तब होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस दुनिया को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा
जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो, 10 दिन सुख में गुजर जाते तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता, और 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ी बहुत सुख की सांस भी आती है। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें, ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सुगम साधन तरीका समझाते जिस पर चल करके हमारा ख्याल सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, अगर सुख हासिल करना चाहते तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले के हर साजो सामान बड़े खूबसूरत नजर आते। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता, तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है। ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। अरे जितना अरसा जितना समय हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर के खड़ी हो जाती है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि भाई दया कर संत और सतगुरु, बतावे नाम का जपना। ऐसे कामिल मुर्शिद संत महात्मा फकीर जिस भवसागर से आजाद हो गए, जन्म मरण के बंधनों से पार चले गए, ऐसे संत महात्मा फकीर इस धरा भूम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई दीन गरीबी मत इस युग का और गुरु भक्ति कर परमान। इस युग की तालीम दीनता गरीबी और गुरु भक्ति है। जब आप महात्माओं के पास जाओगे, महात्मा आपको समझाएंगे कि भाई हमेशा दीनहीन बनकर के रहो, दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे, माया तजे तो क्या भया, अमान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, अमान सवन को खाए, लेने को सतनाम है, देने को अंदान, और तरने को है दीनता, और डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। संसारी मोहब्बत को हम आप मोह कहते हैं, परंतु परमार्थी मोहब्बत को प्रेम कहा जाता। और संत मत में प्रेम की ही महिमा है।
जैसे चिंगारी घास के ढेर को जला करके राख कर देती है, ऐसे गुरु साधक के अच्छे बुरे विकारों को जला करके साफ कर देते हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई यहां समझ बूझ करके चलो, अपने सतगुरु की मौज में रहो, दीन हीन बन करके रहो, छोटी से छोटी जो सेवा मिले उसको अपना सौभाग्य समझ करके करो, हमेशा अपने आप को नया समझो, पुराना कभी समझने की कोशिश मत करिएगा। जहां आपने ये समझा कि हम बहुत पुराने हैं, हम 60 साल पुराने हैं, वहीं आपके अंदर अहंकार पैदा आ जाएगा, अहंकार आपको हो जाएगा और किया कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने आप को हमेशा नया समझते रहिए, अपने आप को हमेशा नया समझो कि हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, गुरु महाराज के दरबार में पड़े हुए दीनहीन बन करके पड़े रहो, गुरु महाराज के वचनों को सुनते रहो, वो नाम लेकर के और नाम की कमाई करो, शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। संत मत कोई मजहब नहीं है, यहां ना कोई हिंदुओं के लिए लिहाज और ना मुसलमानों के लिए लिहाज और ना सिख या ईसाइयों के लिए। अरे आप हिंदू होकर के अंदर जाओ, आप मुसलमान होकर के अंदर जाओ, संतों का उपदेश सबके लिए एक ही है कि भाई शब्द को पकड़ करके मंजिल दर मंजिल अपने घर, अपने सच्चे देश सच्चे वतन वापस पहुंचो, ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जान, गुरु की मूरत हृदय बसाओ, चंद्र चकोर प्रीत घटियान। रूहानियत की तालीम पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है जो शब्द के भेद को जानते हो, ऐसे शब्द भेदे गुरु की तलाश करो, उनसे प्रीत करो। अरे प्रीत तो ऐसी होनी चाहिए जैसे चकोर और चंद्रमा की होती है। चकोर एक पंछी होता है, पूर्णमासी के अवसर पर जब पूरा चांद निकलता है तो वह चंद्रमा अपना पूरा ध्यान, चकोर अपना पूरा ध्यान उस चंद्रमा की तरफ लगा देता, जो जो चंद्रमा ऊपर उठता त्यों त्यों चकोर की गर्दन ऊपर उठती चली जाती। और प्रेमी भाई बहनों, जब चंद्रमा पश्चिम की ओर आता तो प्रेमी भाई बहनों एक समय ऐसा आता कि चकोर की गर्दन उसके पूंछ के साथ लग जाती, लेकिन वह चंद्रमा का ध्यान नहीं तोड़ता। महात्मा कहते हैं भाई ऐसा प्रेम साधक को अपने गुरु के साथ होना चाहिए, जब लगे ऐसे प्रीत न होवे और तब लग साधन यही बखान। जब तक चंद्रमा और चकोर जैसी प्रीत न हो तब तक साधक को चाहिए ये अपने हृदय में गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करने की कोशिश करें। अब गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे आपके ऊपर मैले पाप कर्मों के बोझे लदे हुए जो हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। कबीर साहब ने कहा कि कबीर पापी भगत न भावे, हर पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध तहां जाए। जिस प्रकार से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते बल्कि रात दिन इंद्रियों के भोग और रोग में जलते रहते। महात्मा कहते हैं कि भाई जब तुम नाम की कमाई करोगे तो हृदय तुम्हारा निर्मल होगा, मन तुम्हारा निर्मल होगा, ये मन रूह का साथ देने लगेगी और तब ये जीवात्मा मन को साथ में लेकर के और जब ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी ऊपर जा करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन करेगी, तब जा करके प्रेमी भाई बहनों अपने सतगुरु पर भरोसा पैदा होगा। उससे पहले कोई कह दे कि नहीं महात्मा जी ठीक नहीं,
आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे हैं, आपका भरोसा फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु की हस्ती और शक्ति को जान लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक होकर के सतगुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करे ना कुछ अफसोसा, बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट खरीद करके और जब रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा हो जाता है कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे, भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए लेकिन पूरा भरोसा होता कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धौर धाम जाने के टिकट दे दी, तो एक ना एक दिन हम अपने सच्चे देश सच्चे घर सच्चे वतन जरूर वापस पहुंचेंगे। ये नाम रूपी जीव प्रेमी भाई बहनों कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को छोड़ते हैं। महात्मा हर पल हर क्षण अपने जीवों की संभाल करते रहते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई जब तुम नाम की कमाई करोगे तो मन तुम्हारा निर्मल हो जाएगा, तब ये जीवात्मा ऊपर चढ़ेगी, और जब अपने सतगुरु के नूरी चरणों का जब दर्शन होगा तब प्रेमी भाई बहनों तुम्हारी गुरु भक्ति मुकम्मल होगी। श्री गुरु पद नख गढ़ मन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, गुरु के चरणों का एक एक नाखून करोड़ों करोड़ मणियों से ज्यादा प्रकाशवान है। अरे उन्हीं चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट पर ठोकरें कर दी। देखिए राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजपाट त्याग करके और गुरु जी के चरणों में गए, गुरु जी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरु जी ने हुक्म दे दिया, जाओ राजन तुम अपने ही राज में भिक्षा मांग करके लाओ। अब प्रेमी भाई बहनों जिस राजा ने राज किया हो अपने राज में, उस राज से भिक्षा मांगना बहुत बड़ी बात, लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा अपने राज में भिक्षा मांगने गया। प्रजा ने जब देखा कि मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथा संभव जो मदद करना था अपने राजा को मदद में दिया। फिर राजा जब महल के दरवाजे पर पहुंचा, रानियों ने जब देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, तो उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान कर दिए। और जब राजा मां के दरवाजे पर पहुंचा, मां से कहा मां भिक्षा दे दे, मां ने कहा तू मेरा बेटा है और मैं गृहस्थी हूं और तू साधु हो गया, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम नहीं आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम में आवे। राजा बोला हे माता तू जो चाहे मुझे भिक्षा में दे दे। मां ने कहा बेटा मेरी तीन बातों को हमेशा ध्यान में रखना, पहली बात यह है कि तुम मजबूत किले या महल में रहना, दूसरी बात यह है कि नरम नरम बिस्तर पर सोना, तीसरी बात यह है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोला हे बा माता ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं, देख माता मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ है, मुझे जंगलों में सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ है, मुझे रूखा सूखा खाना है, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ, ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़कर फकीर बना, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा,
गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है, रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना, जब नींद इतनी आ जाए कि तू वहीं पर गिर पड़े, फिर चाहे नीचे रोड़े हो या पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पन्ना आई होगी। तीसरी बात यह है कि भूखा रहना, और जब भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए, जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। हरे नारियो, ये इतिहास उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और एक हमारा आपका इतिहास है, अगर बेटा बेटी नहीं हुए, कह दिया जी छोड़ो गुरु जी को, कोई दूसरा गुरु करेंगे, मुकदमा नहीं जीते, कह दिया जी छोड़ो गुरु जी को, कोई तीसरा गुरु करेंगे, अरे ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे, और कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए, कोई रचावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीजे, साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगत पतीजे, कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजे। इस तरह से हम लोग दरबार में आते, कोई बेटा बेटी मांगता, कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता। हरे नन्नारियो, इस जल संसार में ये मन की ख्वाहिशें, ये मन की मांगे ना कभी किसी की पूरी हुई और ना ही कभी हो सकती। मान लो आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, ये मन दूसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा, और मान लो दूसरी इच्छा पूरी कर दी गई, ये मन तीसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, रबिया वसरी मुसलमान फकीरों में बड़े मशहूर महात्मा हुआ करते थे। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोझक या नरक बनाए हैं, अगर मेरा वश चले तो मैं इसको समुद्र में डाल दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या वहिष्ठ बनाए हैं, अगर मेरा वश चले तो इसमें आग लगा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते वे उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने सतगुरु की मौज में रहना सीखो। वो मालिक समर्थ है, वो सब देख रहा आपको किस चीज की जरूरत है। प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी उस परमात्मा का शुक्र भी किया करो कि शुक्र है परमात्मा, तूने रहने को झोपड़ा दे दिया, आधी दुनिया फुटपाथ पर सो रही, शुक्र है परमात्मा तूने रहने को झोपड़ा दिया, खाने को रोटी दे दी, आधी दुनिया भूखी पेट सोती है, शुक्र है परमात्मा तूने निरोगी काया दे दी, आधी दुनिया अस्पतालों के चक्कर काट रही, कभी उस मालिक को धन्यवाद भी दिया करो। वह मांगते चले जा रहे, मांगते चले जा रहे। हरे प्रेमी भाई बहनों, क्या परमात्मा को ये मालूम नहीं है कि आपको किस चीज की जरूरत है? अगर परमात्मा आपकी अरदास को, अपनी आपकी इच्छा को पूरी कर सकता है, तो उसे यह भी मालूम है कि आपको किस चीज की जरूरत है। वो जो उचित समझेगा वो आपको दे देगा। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। अरे दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविश फिर ठिकाना है कहां,
उसको बिठाने के लिए हरे मन नारियों, मन तो एक ही है, चाहे दुनिया के मोह में फंसा लो या चाहे तो मालिक की भक्ति में लगा लो। ये मोह ममता के कारण हम लोग संसार में दुखी बने रहते हैं। अगर मोह ममता हमारे अंदर से निकल जाए तो कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। अरे आप लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, अपना बच्चा बीमार हो जाए तो हमें रात भर नींद नहीं आती, बाहर भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दबकर मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए, मन रात भर तड़पता है, पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा और बाकी सबको बेगाना समझ लिया। और जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। यहां ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया। अरे एक स्टेज पर आकर के सभी कलाकार अपना अपना पाठ अदा कर रहे, ठीक उसी प्रकार से यह दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है। अरे कोई पति का पाठ अदा कर रहा, कोई पत्नी का पाठ, कोई बाल बच्चों का किरदार निभा रहा। पाठ अदा करते करते हमें भूल जाते हैं इनके साथ हमारा लेन देन का संबंध है, कर्मों का संबंध है। जहां लेन देन पूरा हुआ हम अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे, इस बात को हम आप भूल जाते, अज्ञानतावश मोह ममता कर बैठते और उसी मोह ममता के कारण हम लोग दुखी बने रहते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मोह ममता को थोड़ा कम करो और उस मालिक की मौज में रह करके उस मालिक की भक्ति करो, शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। इस कलयुग में प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को प्राप्त करने का केवल एक ही आधार है, सुरत शब्द नाम की कमाई। यही जीवन का सार है, यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब आपका यहीं पहुंचेगा। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा। और बहुत से नए प्रेमी भाई बहन, कैसे सुमरन करना, कैसे ध्यान करना, कैसे भजन करना, तो आप सभी नए प्रेमी भाई बहन यहां बैठे हुए आप लोग भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि कैसे सुमरन ध्यान भजन आप लोग करोगे। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा, सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखो 108 दाने की माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां देवियां बिंदी लगाती हैं, यहीं अपने ध्यान को जमा करके और मन ही मन अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार करिएगा। फिर दोबारा आप लोग फिर यहीं से शुरू कर देना, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार आप लोग करिएगा। फिर तीसरी बार फिर यहीं से शुरू कर देना। प्रेमी भाई बहनों, जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके और मन ही मन अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, उसके नूरानी स्वरूप को देख लेना। बड़ी भारी कयामत है, एक बार देख लोगे तो सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का स्मरण सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। तो हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार करिएगा। फिर चौथी बार फिर यहीं से शुरू कर देना, पांचवी बार फिर यहीं से शुरू कर देना। इस तरह से कुल 8 बार
जय गुरुदेव नाम का सुमरण सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। किसी गफलत में मत रहिएगा, यह जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। हमारे गुरु महाराज ने इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाया। अगर ये जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। अरे अभी क्या देखते हो, वो समय आगे आ रहा, जय गुरुदेव नाम से आगे चल करके ना जाने कितनी रूहें ये खेपों की खेपें पार होंगी। ये नए जीवों के लिए सरल से सरल रास्ता किया गया, वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी 20-20 साल हो गए नामदान लिए, और अगर उनसे पूछा जाए कि जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक बेचारे भूल जाते। इसलिए नए जीवों के लिए गुरु महाराज की दया कृपा से ये रास्ता और सरल किया गया। अब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करिएगा, इसी नाम से नए जीवों का कल्याण होगा। बहुत से प्रेमी भाई बहन पूछते हैं कि भाई हम पुराने प्रेमी हैं, गुरु महाराज से नामदान लिया, क्या हम भी जय गुरुदेव नाम का स्मरण एक नाम का स्मरण कर सकते हैं? प्रेमी भाई बहनों, ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। जो गुरु महाराज ने आपको 5 नाम का भेद दिया है, आप उसी तरह से करिएगा। ये रास्ता केवल नए प्रेमियों के लिए है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। बहुत से प्रेमी भाई बहन बाद में आकर के पूछते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया, ये रास्ता केवल नए प्रेमियों के लिए है। पुराने जितने भी प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज ने जैसे आपको रास्ता बताया, 5 नामों का जो भेद बताया, उसी तरह से आप लोग करिएगा। और ये नए जीवों के लिए ये नया रास्ता खुला है। आप लोग नए जितने प्रेमी भाई बहन ये जय गुरुदेव नाम का स्मरण करेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का स्मरण आप सभी लोग बराबर करिएगा। ये पुराने प्रेमियों का फर्ज है। आप लोग यहाँ से जाने के बाद यहाँ जितने भी पुराने प्रेमी भाई बहन बैठे, जितने भी पुराने प्रेमी भाई बहन, आप नए प्रेमियों को समझाइएगा कि कैसे सुमरण करोगे, कैसे ध्यान करोगे, कैसे भजन करोगे। थोड़ी थोड़ी देर अपने अपने रावटी डेरे में बैठा करके उनको करना समझाइएगा। अरे आप लोग धीरे धीरे समझाओगे, इनकी समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको रास्ता दिया जा रहा, उसके बाद में पुराने प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी है। आप लोग नए जीवों को अच्छी तरह समझा करके उनको तैयार करिए, उनको अपने सामने भजन ध्यान सुमरण पर बैठाइएगा। तो जय गुरुदेव नाम का सुमरण सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। फिर दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते दृष्टि को एकाग्र करना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, ये अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। घर में पलथी मार करके बैठ जाइएगा, ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां देवियां बिंदी लगाती, पुरुष जहां टीका लगाते, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखना, आपको अंधेरा नजर आएगा। उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते और जड़मत होश जान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। जब आप सामने अंधेरे में अपनी दृष्टि को एकाग्र कर लोगे, तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा महीन बारीक बिंदु होता, बड़ा चमकदार बिंदु होता, बहुत चमकता है, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ेगा। जब बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ने लग जाए, तो आप एक तक होकर के अपनी दृष्टि को बिंदु पर एकाग्र करिएगा। शुरुआती समय में वो बिंदु आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। तो बहुत से प्रेमी क्या करते हैं, हाय बिंदु कहाँ गायब हो गया,
जो दाएं बाएं आंखों की पुतली को घुमा घुमा करके देखते हैं, दाएं बाएं आंखों की पुतली को मत हिलाना, बिंदु गायब होता है हो जाने दीजिएगा, आपका ध्यान सामने रहेगा तो बिंदु फिर सामने आ जाएगा, और जब बिंदु सामने आ जाए तो फिर आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब दृष्टि को बिंदु पर एकाग्र करोगे, बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होता है, और वो प्रकाश धीरे 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 बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को तो छोड़ देता, दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता, और जब दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे तो बिंदु फिर गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना सामने बना रहे, बिंदु पर टिका रहे। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। जब एक तत्व होकर के आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो बिंदु दरवाजा खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत विशाल दरवाजा, अरे शुरुआती समय में मालूम होगा कि बड़ा महीन दरवाजा है, लेकिन जिस समय वो दरवाजा खुलेगा, इतना विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख संसार एक साथ दरवाजे से होकर निकल जाएं तो पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो दरवाजा, उसी को हरि का द्वार कहा गया, वो हरि द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में आप खड़े हो जाओगे तो सामने अपने सतगुर का दर्शन होगा, और सतगुर आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। ये ध्यान करने का तरीका, प्रेमी भाई बहनों, लेकिन सतगुर का दर्शन जब होगा, जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे। अगर आपने स्मरण ना किया तो ध्यान के समय आप भटक जाओगे, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, उस मैदान में आप खड़े हो जाओगे, उसी मैदान में आपको तीन रास्ते दिखाई पड़ेंगे। एक रास्ता दाई तरफ गया, एक रास्ता बाई तरफ गया, एक रास्ता बिल्कुल सीधे गया। उस समय आपको ज्ञान नहीं रहेगा कि हमको किस रास्ते पर चलना, और मान लो आप किसी गलत रास्ते पर चल पड़े तो इतनी रफ्तार आपकी उस समय पर होगी, या आप पलक झपकते ही खरबो योजन आगे निकल जाओगे तो आप भटक जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का स्मरण करिएगा। जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे और जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल होगे तो सामने अपने सतगुरु का दर्शन होगा, वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये ध्यान करने का तरीका, अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य ध्यान को यहां जमाने की कोशिश करिएगा। वेद व्यास जी महाराज जब थे, वेद व्यास जी महाराज ने जब देखा कि साधकों का ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा, तो उन्होंने बहुत बड़ी मूर्ति बनवा दी। उस मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखें बनवाई और साधकों से कहा कि तुम अपनी आंखों को मूर्ति की आंखों में टिकाओ, जब दृष्टि से दृष्टि टिक जाए तो बाहर की आंख बंद कर लेना, अंतर की आंख खुल जाएगी। ये तरीका था, साधन था ध्यान को एकाग्र करने का। वेद व्यास जी महाराज जब चले गए, धीरे धीरे ज्ञान लोप होता चला गया और लोग बाहर मुखी हो गए और कर्म कांडों में फंस गए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान करने का तरीका, आप सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य ध्यान को जमाने की कोशिश करिएगा। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द या नाम को सुनना जो उस मालिक की दरगाह से आ रही। कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लो। किसी भी आसन पर बैठ जाइएगा, ये आंख और कान को बंद कर लेना, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद करना। कान इसीलिए बंद किया जाता ताकि बाहर की आवाज हमको सुनाई ना पड़े। तो अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ,
सोफे पर चाहे तो सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लो, और दोनों कोहनी यहां रख करके और दोनों उंगली कानों में डालकर ये कानों को बंद कर लो। अब बहुत सी हमारी माताएं बहने बूढ़े बुजुर्ग, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, अरे आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते तो आप लेट करके भजन करिएगा। वैसे लेट करके भजन बड़ा अच्छा बनता है, लेकिन होशियारी यही रखनी पड़ती कि कहीं लेटे लेटे हम सो ना जाएं। इसलिए सावधानी और सचेत के साथ आंख और कान को बंद करिएगा। यही कहा गया, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, अपने कानों को बंद करो, और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही, हर एक को सुनाई पड़ेगी, ते इस तरह से सीटी जैसी आवाज। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको फिर अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और घड़ियाल की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे घड़ियाल की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप उस आवाज को सुनते रहिएगा। शुरुआती समय में वो बड़ी महीन आवाज होती है, ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही है, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। जब घंटे की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, हमें असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे की आवाज मिल जाए, तो घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। जब आप उसको सुनते रहोगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे की आवाज बढ़ने लगेगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर वो बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में वो घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती, उसी आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा, उसी आवाज को महात्माओं ने नाम कहा। अरे कलयुग केवल नामीय धारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, और वो नाम तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। नाम भी दो तरह के होते, एक वर्णात्मक नाम होता, एक धुनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीता राम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम है। लेकिन संत महात्मा उस धुनात्मक नाम की महिमा गाते, जो न लिखने में आता है न जवान से बोलने में आता, जो हर इंसान के अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा, उसी आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी शब्द या नाम को मुसलमान फकीरों ने बागे आसमानी, कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी या कलमा कहकर बयान किया। उसी शब्द या नाम को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर बयान किया। उसी शब्द या नाम को गुरु नानक साहब ने धुर के वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर के बयान किया। उसी शब्द या नाम को चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर के बयान किया। प्रेमी भाई बहनों, हिंदू महात्माओं ने इसे आकाशवाणी, प्रेमी भाई बहनों वेदवाणी कहकर के बयान किया। वो शब्द या नाम हर इंसान के अंदर धुनकारे दे रहा। जब आप कानों को बंद करोगे, ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे
वो घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उसको आप लोग पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। जब आप उसको सुनते रहोगे, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओगे, तो वो शब्द आपको खींचना शुरू करेगा, क्योंकि शब्द में कशिश है, शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश, प्रेमी भाई बहनों, ये नौ द्वारों से सिमटने लगेगा। ये जीवात्मा यहां बैठी हुई है और जीवात्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, ये नौ द्वार कौन कौन से? दो आंख, दो कान, दो नाक के सुराख, एक मुंह और दो मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के नौ दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता, गुदा चक्र में पृथ्वी तत्व पाया जाता। प्रेमी भाई बहनों, गुदा चक्र में गणेश जी का वास, ये चार दल का कवल है, यहां पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं, ये छह दल का कवल है, यहां पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर नाभि चक्र आता, नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते, ये आठ दल का कवल है, यहां पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर हृदय चक्र आता, यहां शिव जी वास करते, ये बारह दल का कवल है, यहां पर वायु तत्व पाया जाता। उसके ऊपर कंठ चक्र आता, यहां आद्या महाशक्ति वास करती, ये सोलह दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, और यहीं पर बैठ करके यह जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे शरीर का हर एक अंग चलता है। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप शब्द को सुनोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो शब्द में कशिश है, शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये नौ द्वारों से सिमटने लगेगा। और जब जीवात्मा का प्रकाश सिमटेगा तो सबसे पहले आपके पैर सुन्न हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे सुन्नता ऊपर बढ़ेगी, घुटने आपके सुन्न हो जाएंगे, गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र। और जब गले में सुन्नता आएगी तो ऐसा अनुभव होगा जैसे मेरा गला खुश्क हो गया हो। और जैसे ही गले को पार किया, शरीर की सारी चेतना नौ द्वारों से सिमट करके जैसे ही दसवें दरवाजे पर एकाग्र हुई, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप स्वयं देखना कि हमारा शरीर ये पड़ा और हम ये खड़े। इसी को कहा जीते जी मरना। अरे यूं मरने से क्या भला, जीते जी मरो, यही रूहानियत की सच्ची तालीम है। मरता कोई नहीं है, आप लोग घबरा मत जाइएगा कि हाय हम मर जाएंगे। अरे कोई मरने वाला नहीं, ये जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन जो प्राणों की डोरी होती वो प्रेमी भाई बहनों जीवात्मा और शरीर को बांधे रहती है। वो डोरी जब टूटेगी, जब श्वासों की पूंजी समाप्त होगी, उससे पहले डोरी नहीं टूटती। ये जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती और शब्द को पकड़ करके फिर यही जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहला लोक पड़ता, जिसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं और आप पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। चेतन धार जो सहस दल कवल से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती। जब साधक भजन करता है, शब्द को पकड़ करके जब शिव लोक में पहुंचता और जब शिव जी का दर्शन करता, तो इसका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाता। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा शब्द को पकड़ करके फिर ऊपर की ओर चढ़ती है, तो उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आता। वो ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी आप गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ
उस लोक में विराजमान है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा ऊपर चढ़ती है, इसी के ऊपर विष्णु जी का लोक आता है। वो विष्णु जी का लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी चार भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। इनके माता आद्या महाशक्ति है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर, वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहकर के याद किया। सहस दल कवल, वहां के धनी, वहां के मालिक वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक, इन्हीं को त्रिलोकी नाथ कहा गया, हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते। अरे घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारे दे रही, वे आवाज इन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है, हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा ऊपर चढ़ती है, इसी के ऊपर दूसरा मंडल यानी त्रिकुटी देश आता। वहां के मालिक ब्रह्म है, वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई है, वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई, और वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि भाई त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने बड़ी मनमोहक, बादलों के गर्जन मृदंग मन मोहिनी आवाज में वहां उस लोक में गूंजती रहती। और वहां के धनी का यानी ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। अरे ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनता है। जब मीराबाई साधना करके वहां पहुंची तभी उन्होंने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो त लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी को प्राण पुरुष भी कहा जाता, क्योंकि प्राणों की सूक्ष्म डोरियां यहीं से नीचे उतारी गईं। जो साधक यहां तक पहुंच जाते उन्हें योगेश्वर कहा जाता। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा ऊपर चढ़ती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठनाई। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो धनी है, जो वहां के मालिक हैं, वो रारंग पुरुष है यानी पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी ये दो धुने बड़ी मनमोहक मन मोहिनी आवाज में वहां उस लोक में गूंजती रहती है। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा कितना चौड़ा महात्माओं ने तो सिर्फ इशारों में बता दिया। ये जो संसार आप देख रहे, ऐसे संसार में जितना ये समुद्र आप देखते, ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो मान सरोवर जब महात्माओं ने उसको देखा
जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। अरे नन्नारियो, जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाते। अरे यहां के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वह जब साफ होगी, जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे, उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी हारा है। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा हंस रूप हो जाती वहां के धनी का दर्शन करने के बाद। फिर यही जीवात्मा फिर ऊपर की ओर चढ़ती है, इसी के ऊपर चौथा मंडल आता जिसे महात्माओं ने सोहंग देश कहा। वहां के मालिक सोहंग पुरुष हैं, वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनिया सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती, और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है प्रेमी भाई बहनों, दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। मलियागिरी की तरह सुगंधित हवाएं वहां चलती हैं, इतनी भारी वहां खुशबू है, वहां की खुशबू का एक कतरा प्रेमी भाई बहनों, बालू के कण के बराबर एक कतरा यदि संसार में डाल दिया जाए तो संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वहां आदियां चलती, जितनी जीवात्माएं वहां रहती, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो पांचवा देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां ना काल है, ना कर्म है, ना दुख है, ना संताप है, ना पुण्य है, ना पाप है। अरे जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के मालिक सतपुरुष भगवान जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ये जीवात्माएं ऊपर भी जाती हैं, इसी के ऊपर तीन लोक और हैं, अलख अगम और अनामी धाम। अलख लोक में अलग पुरुष विराजमान, अगम लोक में अगम पुरुष, और अनामी धाम में वो अनामी महाप्रभु विराजमान है। वही अनामी धाम, वही अनामी महाप्रभु हमारे आपके सच्चे मालिक हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी अनामी धाम वापस पहुंचना है। ये भजन करने का तरीका एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे भजन किया जाएगा। आप लोग जरा बैठ जाओ, ये झोली वाले जो सेवा ले रहे अभी थोड़ी देर जब तक सत्संग खत्म ना हो तब तक आप लोग मत उठिए। आप लोग बैठ करके एक बार फिर से समझ लो कैसे आप लोग भजन करोगे। ये आंख और कान को बंद कर देना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको आप लोग पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। कुछ समय बाद में आपको फिर अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे संघ की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे संघ की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ करके और घंटे संघ की आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनते रहो, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप घंटे संघ की आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। ये भजन करने का तरीका अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य सुमरण ध्यान और भजन करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, अरे आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा प्रेमी भाई बहनों, जो भी आपको दिखाई और सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं और खुशी के मारे अब उन पर हजम नहीं हो पाता और खुशी के मारे दूसरों को बोल देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे,
ऐसे ऐसे नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अब अगर आप दूसरों को बता दोगे तो वो जो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर सारी जिंदगी आप कान में उंगली डाले बैठे रहना, ना कोई दिखाई देगा ना सुनाई पड़ेगा। इसलिए ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। ये गूंगे की मिठाई है, जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा, और शाकाहार का प्रचार, ये बहुत बड़ी सेवा गुरु महाराज आपको सौंप करके गए हैं। शाकाहारी का प्रचार आप लोग अपने अपने गांव क्षेत्र में बराबर करते रहना। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नन्नारियो, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। अरे परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसलिए नन्नारियों आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि आपकी पागल हो जाए, घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। उसी परिश्रम का ये परिणाम है आज जन जन की जुबान पर ये नारा गूंजता है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। हम समस्त मानव जाति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी से यह प्रार्थना करेंगे या आप सभी लोग शाकाहारी हो जाएं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है रहम करने का। आप जीवात्माओं पर रहम करो, आप रूहों पर रहम करो। अरे किसी धर्म में, किसी मजहब में नहीं लिखा कि बेगुनाह जीवों पर अत्याचार करो। हर धर्म हर मजहब कहता भाई जीवात्माओं पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। इसलिए नन्नारियों आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए यह अत्यंत आवश्यकता है। आप सभी लोग शाकाहारी बने, शराब जैसे मादक पदार्थों का त्याग करें, और गुरु महाराज की वचनवाणियों को आप लोग घर घर तक पहुंचाएं। गुरु महाराज के संदेशों को आप लोग घर घर तक पहुंचाइएगा। ये देखिए सब प्रेमी भाई बहनों, संगत की मांग थी, इसीलिए संगत की बातों को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी पत्रिका निकाली गई। गुरु महाराज का इसमें संदेश है, आश्रम की पूरी जानकारी आपको हर महीने बराबर होती रहेगी। गुरु महाराज का संदेश आपको घर घर पहुंचता रहेगा, ये गुरु महाराज की वचनवाणी। इसलिए दूरदर्शी सदस्यता अभियान में प्रेमी भाई बहनों आप लोग इसके सदस्य बनिएगा। गुरु महाराज की ये पत्रिका घर 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 तक पहुंचे, देश देश के कोने कोने में गुरु महाराज का संदेश पहुंचे, घर घर में गुरु महाराज की वचनवाणियां, ये दूरदर्शी पत्रिका, इसकी आवाज दूर तक जानी चाहिए। और गुरु महाराज की प्रेमी भाई बहनों दया कृपा से ये दूरदर्शी पत्रिका आप लोगों के बीच में उतारी गई, आप लोग इसके सदस्य बनिएगा। और जो प्रेमी भाई बहन नहीं आए हैं उनको भी सदस्यता अभियान चला करके
इस पत्रिका का सदस्य बनाइएगा ताकि ये घर घर तक ये गुरु महाराज का संदेश पहुंचे। वैचारिक क्रांति की लहर, अरे नन्नारियों, ये वैचारिक क्रांति की लहर है। ये धीरे 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 जब घर घर में गुरु महाराज की वाणियां गूंजने लगेंगी, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। अरे आप समय का इंतजार करो, समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण ने किया, समय का इंतजार महात्माओं ने किया, आप भी समय का इंतजार करो, समय आने पर धीरे धीरे सब आपके सामने आएगा। इसलिए जो आपको बताया गया, सबसे पहले दूरदर्शी पत्रिका के सदस्य, दूरदर्शी सदस्यता अभियान आपके बीच में चलाया जा रहा। इस पत्रिका का आप लोग अपने अपना सदस्य बनाइएगा। और प्रेमी भाई बहनों, इस शाकाहार का प्रचार प्रसार आप लोग बराबर अपने अपने गांव क्षेत्र में करते रहना। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये होली का कार्यक्रम 9, 10 और 11 मार्च, आप लोग इस तारीख को याद कर लीजिएगा, 9, 10 और 11 मार्च। 11 तारीख ये आखिरी कार्यक्रम, 9 को, 10 को और 11 को, तो 10 को होली का कार्यक्रम होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इसकी तैयारी आप लोग करिएगा, प्रचार प्रसार जोर शोर से हो, और होली के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। और जब अकेले अकेले चल पड़ोगे और बच्चों को नहीं लाओगे तो इनके अंदर संस्कार कैसे पड़ेंगे? अरे नन्नारियों, संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पड़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत ना पड़ती। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर मथुरा दरबार में लाते ले जाते रहना, बराबर लाते ले जाते रहो। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हो तो गुरु महाराज की कोई पुस्तक दे दो, ये दूरदर्शी पत्रिका दे देना, लो बच्चा गुरु महाराज के वचन हमको सुनाओ, अच्छा छोटी सी प्रार्थना हमको सुनाओ, अच्छा चलो तुम भजन ध्यान सुमरन पर बैठ जाओ। अरे धीरे धीरे ये बच्चे करने लगेंगे, इनका भी लोक परलोक बन जाएगा, ये भी मथुरा दरबार में आने जाने लगेंगे, इनकी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा और आपका जीवन प्रेमी भाई बहनों ये सुख में बीतेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन इस होली के शुभ अवसर पर सब परिवार सादर आमंत्रित है, आप लोग अवश्य ही पधारिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, बहुत से प्रेमी भाई बहन यहाँ तक आते हैं और यहीं से अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गुरु महाराज ने एक बार कहा था, ये बच्चा तुम यहाँ तक आते हो तो हमारे जन्म भूमि पर दर्शन करके जाया करो, तब तुम्हारी यात्रा पूरी मानी जाएगी। इसलिए जो इधर से जाने वाले आप लोग कोशिश करिएगा कि गुरु महाराज की जन्म भूमि पर दर्शन करके और उस अमृत जल को लेकर के, अरे वो अमृत जल है, गुरु महाराज ने कहा एक समय ऐसा आएगा किलोमीटरों लाइन लगेगी इस अमृत जल को लेने के लिए, लोगों की हारी बीमारी दुख दर्द तकलीफ इससे दूर होगी। वो अमृत जल प्रेमी भाई बहनों आप लोग जन्म भूमि पर जाकर के लीजिएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से, गुरु महाराज की दया रही कि हम प्रेमी भाई बहनों खितौरा का मंदिर गुरु महाराज की दया कृपा से लगभग पूरा होने को आ रहा। पत्थर का काम बड़ी तेजी से चल रहा था, अब गुम्बदों में तो सब में पत्थर लग गया, आखिरी गुम्बज बचा हुआ है, दो गुम्बज और बचे उसमें पत्थर लगना बाकी है और उसके बाद फिर नीचे फर्श पर पत्थर लगेगा। गुरु महाराज की दया कृपा रहेगी तो इस वर्ष गुरु महाराज की जन्म भूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहनों से प्रार्थना है, जो लोग इधर से गुजरते हैं, पूर्वांचल के जितनी भी बसें हैं या बिहार जाने वाले, झारखंड छत्तीसगढ़ जाने वाले, अरे आप लोग जब इधर से गुजरते हैं तो गुरु महाराज की जन्म भूमि पर दर्शन करते हुए जाइएगा। और प्रेमी भाई बहनों, अब आप लोग अपनी अपनी बसों से जब निकलेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ड्राइवरों को बड़ा खास ध्यान रखा करिए। अब रात के समय चल देते
और कहीं ड्राइवर को नींद आ गई और ले जाकर गाड़ी कहीं और ले गया। इसलिए ड्राइवरों को चाय पानी पिलाते हुए और धीरे धीरे ज्यादा रफ्तार से चलाने की जरूरत नहीं है, अरे 60-70-80 बहुत है। इसलिए धीरे 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 आप लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंचिएगा, ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं, कब क्या हो जाए। इसलिए गुरु महाराज की वचन वाणियों को गुजाते हुए, उनको याद करते हुए, प्रसाद लेते हुए, अब ये पूजन का प्रसाद देखिए आपको मिलने लगा, आप लोग प्रसाद लीजिए, मालिक से दया दुआ आशीर्वाद मांगिए, हे मालिक हमको सद्बुद्धि दे, हमको अपनी पनाह में लगाए रखें, हमको अपने चरणों में लगाए रखें, जो भी ऐब और कमियां हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर से उन कमियों को दूर करें। ये होड़ जो मची हुई है दुनिया के अंदर, घर मकान बनाने की, धन कमाने की, पैसा कमाने की, इस होड़ को हमारे अंदर से निकालें। अगर होड़ ही बनानी है तो भजन करने की होड़ बनाएं कि हम 2 घंटा भजन करते हैं, अब हम 3 घंटा भजन करेंगे, ये 4 घंटा भजन करता, हम 5 घंटा भजन पर बैठेंगे। अरे होड़ करना है तो इस चीज की करो, ये दुनिया के नाशवान पदार्थ ये तो आपके सब यही छूट जाएंगे, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए वो दौलत कमाओ जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा, और दूरदर्शी पत्रिका ये जो आपके बीच में निकाली गई, आप सभी लोग इस सदस्यता अभियान में आप लोग भाग लीजिएगा, इसका सदस्य बनिए, और घर घर ये पत्रिका पहुंचनी चाहिए, आपके घर में पहुंचेगी, गुरु महाराज की वचन वाणियां सुनने समझने का मौका मिलेगा, आश्रम का पूरा हालचाल हर महीने आपको जानकारी होती रहेगी, तो आप लोग इसके सदस्य बनिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, होली के शुभ अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन सब परिवार सादर आमंत्रित, आप लोग अवश्य ही पधारिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक हमसे हुई हो तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम तो छोटे हैं, प्रेमी भाई बहनों हम छोटे हैं, सबसे छोटे हैं, अरे आप लोगों से उम्र में तो छोटे ही होंगे, बहुत छोटी उम्र है, अभी कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है, इसलिए हम छोटे हैं, इसलिए माताएं बहने और भाई बहन सभी लोग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव, खाने से होगी भलाई, सब्जी भलाई, खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांसरा, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी, जी की अर्जी है, आवे आपकी अर्जी है, जय गुरुदेव महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आगामी 1 जनवरी से 9 फरवरी तक पूज्य महाराज जी का 40 दिनों का बुंदेलखंड जन जागरण अभियान का कार्यक्रम जन जागृति पैदा करने के लिए बन गया है।